हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बाय बैक, सेक्शन 68, सेक्शन 69 एंड सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब बाय बैक इज सच अ डिफिकल्ट टॉपिक, आई डोंट नो 10 मिनट में खत्म हो पाएगा या नहीं, बट मैं अपनी जान लगा दूंगी उसे 10 मिनट में खत्म करने में, और हो सकता है उससे पहले ही खत्म कर दे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बायबैक का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज मार्केट से वापस खरीद रही है, मतलब वो सिक्योरिटीज ऑलरेडी अलॉटेड है एंड कंपनी इज परचेजिंग देम बैक। तो जब कंपनी उसे वापस से परचेज करेगी तो ऑब्वियसली पैसा जाएगा। तो बायबैक कैश रिच कंपनी करती है या कैश पुअर कंपनी? बायबैक करती है कैश रिच कंपनी। अब सवाल ये आता है कि मैडम बायबैक हो किसका सकता है? बायबैक हो सकता है शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बायबैक हो सकता है शेयर्स का, बहुत सारे लोगों को बाय लगता है बायबैक हो सकता है सब सिक्योरिटीज का, लेकिन ऐसा नहीं है। बायबैक हो सकता है शेयर्स का और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का। मैडम क्या डिबेंचर्स का बायबैक हो सकता है? मैं बोलूं अगर डिबेंचर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आता है तो डिबेंचर्स का बायबैक हो सकता है, अदरवाइज डिबेंचर्स का बायबैक नहीं हो सकता है। एंड डिबेंचर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में नहीं आता है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में सिर्फ और सिर्फ आता है ईसो। अब मैं मुझे एक बात बताओ, बायबैक मतलब अपने शेयर वापस लेना। कंपनी शेयर को वापस लेके करेगी क्या? उनकी आरती पूजा करेगी? उनकी नजर उतारेगी? क्या करेगी? एक बात याद रखना, बायबैक के बाद शेयर कैंसल होते हैं। बायबैक के बाद शेयर क्या होते हैं? कैंसल। देखो आपको कितनी सारी बातें पता लग गई, तो अब आ जाओ फटाफट से करते हैं। सेक्शन 68 बात करता है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या क्लियर है? अब वो कह रहा है कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ। अब बायबैक करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा या जाएगा? बताओ, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, पैसा जाएगा। तो बायबैक करने के कितने तरीके हैं? बेसिकली बायबैक हो सकता है या तो फ्री रिजर्व से, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, या तो प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब थ्री सोर्सेज है बायबैक के, फटाफट से कितने सोर्सेज याद करना है मेरे साथ, क्योंकि मैं 2x पे बोल रही हूं, राइट? तो मेरे साथ साथ याद करते चलोगे तो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। अब बायबैक के तीन सोर्सेज हैं, क्या है? सबसे पहला फ्री रिजर्व एसपीआर फ्रेश इशू, फ्री रिजर्व एसपीआर फ्रेश इशू, दोबारा फ्री रिजर्व एसपीआर फ्रेश इशू, फ्री रिजर्व एसपीआर फ्रेश इशू। लेकिन लॉ मेकर ये बोल रहा है कि आप फ्रेश इशू तो करो, लेकिन समझो नो बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और शेयर शेल बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। मतलब आप बायबैक नहीं कर सकते सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी को इशू करके, मतलब वहां से जो पैसा आएगा तुमने बायबैक को दे दिया। मतलब तुम इक्विटी का बायबैक करो इक्विटी इशू करके, भाई हिलविल गए हो क्या? तुम प्रेफरेंस का बायबैक करो प्रेफरेंस इशू करके, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या मैं इक्विटी का बायबैक कर सकती हूँ प्रेफरेंस इशू करके? यस। प्रेफरेंस का बायबैक कर सकती हूँ इक्विटी इशू करके? यस। तो कितने सोर्सेस? तीन, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रेश इशू, बट दैट फ्रेश इशू शेल नॉट बी ऑफ सेम काइंड। बायबैक करने के बाद शेयर्स क्या होते हैं? कैंसिल। बायबैक करने के बाद शेयर्स क्या होते हैं? कैंसिल। अब ये बात याद रखना, कंडीशंस फॉर बायबैक अथोराइज्ड बाय एओए। देखो जहां कुछ समझ ना आए ना, जहां कुछ समझ ना आए, एओए तो तुम लिख ही आना। एओए इज लाइक हर जगह आने वाली चीज है, तो एओए चाहिए, ठीक है? और हमने पढ़ा था बीआर और एसआर चाहिए। बीआर कब चाहिए? अगर मेरा बायबैक 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और एसपीआर तक है तो क्या चाहिए मुझे? बीआर। लेकिन अगर उससे ऊपर है तो क्या चाहिए? एसआर। और मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना, कितने तक कंपनी कर सकती है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां तक क्लियर है? मैम एक बार दोबारा बताओ, एक बार दोबारा देखो, एओए चाहिए अगर मेरा बायबैक 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और एसपीआर तक है तो बीआर चाहिए, उससे ज्यादा है तो एसआर चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कितने तक हो सकता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी का बायबैक कर रहे हो, प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसआर, सॉरी एसपीआर। क्या यहां तक क्लियर है? अब बायबैक के बाद, अब समझो क्या होगा, बायबैक के बाद इक्विटी कम हो जाएगी, डेट तो उतने का उतना ही रहेगा लेकिन शेयर कैपिटल तो कम हो गई, तो डेट इक्विटी रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो लॉ मेकर कहता है डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शेल नॉट एक्सीड 2:1। मतलब आपका डेट आपकी इक्विटी के ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यही गवर्नमेंट कंपनी होती तो ये रेशियो हो जाती 6:1। वो कह रहा है शेयर्स क्या होने चाहिए? सारे फुल्ली पेड अप। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसे बायबैक करना है एज पर सेबी, राइट? उसे बायबैक करना है एज पर सेबी रेगुलेशन। और सुन लो, बायबैक बैक टू बैक नहीं होगा, दो बायबैक के बीच में कम से कम कितना डिफरेंस होगा? एक साल तक का। दो बायबैक के बीच में कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए? एक साल तक का। अब समझो
बायबैक कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन. आप सुनना, जब से तुमने बीआर पास करा या जब से तुमने एसआर पास करा एज द केस में भी, वहां से एक साल तक तुम्हारा बायबैक क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट. तुम्हारा बायबैक क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट. मतलब मैम आपने दो चीजें बताई, दोनों अलग अलग है, कि एक बायबैक कंप्लीट हुआ उसके एक साल तक दूसरा बायबैक नहीं हो सकता. दोबारा, एक बायबैक कंप्लीट हुआ उसके एक साल तक दूसरा बायबैक नहीं हो सकता. यस. दूसरी चीज, एक बायबैक शुरू हुआ एक साल के अंदर अंदर वो बायबैक क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट. वो बायबैक क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट. अब आता है मेथड्स ऑफ बायबैक, कि बायबैक के कौन कौन से मेथड्स हैं. आइए, सबसे पहला, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, ओपन मार्केट से ले सकते हो, या फिर जो आपने इंप्लॉयज को ईसोप के अंडर शेयर्स दिए उनसे ले सकते हो. अच्छा, इंप्लॉयज से जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनसे कैसे लोगे, कि मैं हर 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 एक शेयर होल्डर से 10% ले रहा हूं. ओपन मार्केट से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इंप्लॉय अंडर ईसोप. कितनी चीजें हैं, तीन. कितनी चीजें हैं, तीन, फटाफट से. अच्छा, समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ रिटेन किया जा सकता है 10 मिनट में, राइट. फटाफट से तीन चीजें, या तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ओपन मार्केट और इंप्लॉय अंडर ईसोप. अच्छा, आप सुनना ध्यान से, वो कह रहा है बायबैक आपने स्टार्ट कर दिया, अब बीआर और एसआर पास करने के बाद, लेकिन बायबैक कंप्लीट करने से पहले आप आरओसी को एक फॉर्म दोगे SH9, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप आरओसी को कौन सा फॉर्म दोगे, SH9. कौन सा फॉर्म दोगे, SH9. SH9 है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. SH9 क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, साइंड बाय टू डायरेक्टर्स, 1 MD, साइंड बाय टू डायरेक्टर्स 1 MD, जो ये बोलता है कि हे आरओसी, मैंने अपनी एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज देख ली है, अगले एक साल तक मैं इंसॉल्वेंट नहीं होऊंगा, तुम मुझे बताओ. अच्छा लगता है, अभी तुमने बायबैक किया, 2 महीने बाद तुम दिवालिया हो गए, नहीं ना. तो लॉ मेकर क्या यहां पे बोल रहा है, कि हे कंपनी, तुझे मुझे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इन द फॉर्म SH9 साइंड बाय टू डायरेक्टर्स, जिसमें से क्या होगा, MD, और तुम मुझे ये बताओगे कि अगले एक साल तो तुम इंसॉल्वेंट नहीं होगे. बट मैम अगर हो गए, लेकिन इस केस में मेरे बच्चे आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी पड़ेगी. क्या यहां तक क्लियर है. अब बायबैक कंप्लीट हो गया आपका, अब उसके विद इन सेवन डेज आपको शेयर सर्टिफिकेट क्या करने हैं, या तो एस्टिंग्विश या तो डिस्ट्रॉय. आग लगा दो, या तो डिस्टिंग्विश या तो डिस्ट्रॉय. अब सुनना भाई, मुझे एक बात बताओ, अभी तो बहुत अमीर बन रहे थे, बायबैक कर रहे थे, इतनी क्या गरीबी आ गई जब फ्रेश इशू करना पड़ गया. लॉ मेकर कह रहा है ये बदतमीजी नहीं चलेगी. लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, ये बदतमीजी नहीं चलेगी. कंपनी, अगर कंपनी ने एक बायबैक कंप्लीट किया, उसके 6 महीने के अंदर कंपनी शेल नॉट इश्यू सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी. दोबारा सेम क्या डिफरेंट कर सकती है, यस. अब अगर आपको ये 10 मिनट की सीरीज अच्छी लग रही है ना, तो यू हैव टू कमेंट, राइट. क्योंकि एकदम मैं 2x पे बोल रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ सब कवर करने की, तो आपको मेरे साथ रहना, आपको कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है. लॉ मेकर कहता है तुमने बायबैक किया, बच्चे कह रहे हैं इसमें तो 2x कर ही नहीं सकते हम आगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी 2x पे बोल रहे हो यार. आपने बायबैक किया, उसके विद इन 6 मंथ सेम काइंड इशू नहीं कर सकते. मतलब मैम अगर हमने इक्विटी का बायबैक किया है तो प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं, यस. प्रेफरेंस का बायबैक किया है कि इक्विटी इशू कर सकते हैं, यस. इक्विटी का बायबैक किया है कि इक्विटी इशू कर सकते हैं, 6 महीने तक नहीं, उसके बाद हाँ. लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. क्या, तुम्हें बोनस इशू कर लेकर आना है, बोनस इशू में पैसा नहीं आता. तुम्हें ईसोप देना है, ईसोप तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है. स्वेट इक्विटी शेयर्स देने हैं सेक्शन 54. अब तुम्हारे एम्प्लॉय ने बेचारे ने खून पसीने से कुछ किया है, उसको ये थोड़ी बोलोगे हमने बायबैक किया रुक जा, बोलेगा तो बायबैक करती रहा, मैं जा रहा हूं किसी और के पास. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर की कन्वर्जन की डेट आ गई है, आपने पहले से ही प्रॉमिस किया था, उस केस में भी यहां कुछ नहीं कर सकते. अब सवाल आता है, क्या मैम कंपनी राइट इशू लेकर आ सकती है? नो, राइट इशू भी नहीं लेकर आ सकती, बिकॉज राइट इशू क्या होता है, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स ही तो होता है. एक बार दोबारा बता दो मैम ये वाला पॉइंट. लॉ मेकर कह रहा है, हे कंपनी जब से तूने बायबैक कंप्लीट किया, एक बार दोबारा, हे कंपनी जब से तूने बायबैक कंप्लीट किया, उसके छह महीने तक तू कोई भी सेम काइंड इशू नहीं कर सकती. दोबारा याद रखना, सेम काइंड है, ऐसा नहीं कह रहा कुछ इशू नहीं कर सकती, सेम काइंड इशू नहीं कर सकती. क्या ईसोप दे सकती है, यस. स्वेट इक्विटी, यस. कन्वर्जन, यस. और एक और चीज थी, बोनस, यस. अब रजिस्टर ऑफ बायबैक बनेगा
इन द फॉर्म SH10, इन द फॉर्म SH10, जल्दी जल्दी बता दो SH9 किसका था? SH9 था मेरा, SH9 था, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी साइंड बाय टू डायरेक्टर्स, वन शैल बी MD. अब कम लॉ मेकर कह रहा है बाय बैक कंप्लीट हो गया, उसकी रिटर्न जाएगी इन द फॉर्म SH11, इन द फॉर्म SH11, SH15 का कंसेप्ट नहीं है. साथ में एक सर्टिफिकेट जाएगा और वो सर्टिफिकेट क्या बोलेगा जल्दी जल्दी, वो सर्टिफिकेट ये बोलेगा कि भाई ऑडिटर हूं मैं और मैं ये बोल रहा हूं कि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, SH9 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, SH10 रजिस्टर, SH11 रिटर्न. क्लियर है? अब समझो सेक्शन 69 क्या बोलता है कि बायबैक जितना तुमने किया, जितने शेयर्स का किया, उनकी नॉमिनल वैल्यू कहां ट्रांसफर होगी? CRR में. कहां ट्रांसफर होगी? CRR में. बायबैक का जो ऑफर है वो 15 दिन तक खुला रह सकता है, लेकिन 30 दिन से ज्यादा खुला नहीं रह सकता. बायबैक ऑफर कब तक खुला रह सकता है? 15 दिन, कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 30. और जब आपको ऑफर रिसीव हुए, 7 दिन आप क्या करोगे? वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर करोगे. 7 दिन क्या करोगे? वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर. सेक्शन 70 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक. हे कंपनी, तू अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, तू अपनी सब्सिडरी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती. अगर तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट है, एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट है, डिविडेंड में डिफॉल्ट है, तो तू बायबैक नहीं कर सकती. लेकिन अगर तेरा डिफॉल्ट है प्रेफरेंस को रिडम्पशन में, प्रेफरेंस के डिविडेंड में, डिबेंचर्स की रिडम्पशन में, डिपॉजिट्स में, या फिर टर्म लोन में, तो तू क्या नहीं कर सकती? तो तू बायबैक नहीं कर सकती. लेकिन 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 जिस दिन तूने उसे ठीक कर लिया, उसके अगले 3 साल के बाद तू उसे बायबैक कर सकती है. मतलब सेक्शन 70 में क्या लिखा है, तू अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, सब्सिडरी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, अगर डिविडेंड में डिफॉल्ट है, एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट है, तो तू बायबैक नहीं कर सकती, टर्म लोन वापस करने में डिफॉल्ट है, डिबेंचर की रिडम्पशन में डिफॉल्ट है, प्रेफरेंस की रिडम्पशन में डिफॉल्ट है, डिपॉजिट की रीपेमेंट में डिफॉल्ट है, तो तू बायबैक नहीं कर सकती. लेकिन जिस दिन तूने इन चारों में से किसी के भी डिफॉल्ट को सही किया और सही किए हुए को 3 दिन हो गए, तो सॉरी 3 साल हो गए, तो तू बायबैक कर सकती है. 68, 69, 70 इन अप्रोक्सीमेटली 11 मिनट्स. आई होप आपको सब समझ आया मेरे बच्चे. डू कमेंट ये सीरीज आपको कैसी लगी, एंड नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही आएगी मेरे बच्चे, मतलब नेक्स्ट जो उसका एपिसोड होगा विल बी रिलीजिंग टुमारो. थैंक यू सो मच.